एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का, और ग्रेवाल साहब इस पर भी जवाब दीजिएगा कि आखिर अब तो सब कुछ हो गया है, जांच की बात आप कहेंगे, लेकिन उस तस्वीर को मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना कहूंगी, ठीक चाहूंगी कि आप उस तस्वीर पर मुझे जवाब दीजिएगा, एक माँ का बेटा छिन गया है, उन आंसुओं का जवाब आप देंगे आज यहाँ? बिल्कुल मैम, माँ का बेटा गया, पंजाब में माएं रोती रही हैं, पंजाब में माएं, बदकिस्मती पंजाब की है कि 40 साल से जब खाड़कूवाद था उसके बाद जब शांति बहाली हुई माओं के बच्चे मरते रहे हैं और सरकारों को परवाह नहीं हुई, लेकिन एक वादा करते हैं हम एक जुबान देते हैं, जो मूसेवाला साहब के साथ हुआ बहुत दुखद है, उनकी माँ, मैं कसम से कहता हूँ कि कोई भी माँ को ऐसा नहीं सहना चाहिए, लेकिन आज अगर इस हादसे के बाद पंजाब में गैंगस्टरवाद का खात्मा करने का मौका मिला है तो हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, और हम केंद्र सरकार को एक बेनती करते हैं कि जितने भी गैंगस्टर कनाडा में बैठे हैं उनको एक्सट्राडाइट कराने के लिए, पंजाब में ड्रग्स हो, पंजाब में क्राइम हो, सब लोग कनाडा में बैठ के डींगे हांकते हैं, और हम केंद्र सरकार से विनती करते हैं कि उन्हें एक्सट्राडाइट कराने के लिए हमारी मदद कीजिए, हम पंजाब में एक सुनहरा पंजाब बनाना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से चाहे वो खालिस्तानी हो चाहे वो गैंगस्टर्स हो, लेकिन वो भरोसा तो जगाइए ना ग्रेवाल साहब, वो भरोसा जागेगा कैसा आज के इस प्रकरण के बाद, इस हत्या के बाद? तो वो भरोसा टूटेगा और कमजोर होगा। डीजीपी नहीं कमजोर होगा मैम, नहीं कमजोर होगा, सुनिए, पटियाला में वायलेंस हुई, सब पकड़ के अंदर दिए गए, जो आरपीजी अटैक हुआ मेजॉरिटी लोग अंदर हैं, जो आज हमला हुआ है एक जुबान देते हैं, अगले 72 घंटों के अंदर हम कुछ ना कुछ खोल के ले आएंगे और लोग पकड़े जाएंगे। अब बात इतनी सी है कि इट इज द केटल ब्लैक, जो लोग नेक्सस चला रहे थे आज वो सरकार में नहीं है, वो बहुत शोर मचा रहे हैं, जो पॉलिटिको नार्को टेरर नेक्सस पंजाब में चल रहा था हमने उस पे हमला किया है, मानसा की सड़कों पर लोग इकट्ठा हो गए, आपको पता है बात ग्रेवाल साहब, मानसा की सड़कों पर लोग इकट्ठा हो गए, प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर, तो शोर तो मचेगा, अगर अगर हत्या होगी तो शोर मचेगा। ठीक है अर्शदीप खोडियार, मुझे रेपरकशंस जो है वो इंटरनेशनल रेपरकशंस होने वाले हैं, सिद्धू मूसेवाला पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में मशहूर थे, पंजाब का नाम रोशन किया था, और आज वो पंजाब का बेटा अगर नहीं और किसी वजह से नहीं है तो वो आम आदमी पार्टी है। दूसरी बात, ये जो सवाल उठा कि वो आज अपनी सिक्योरिटी क्यों नहीं लेके गए, बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों नहीं लेके गए, उसके दो कारण अलेजेडली कि पहले तो जब हम ऑपोजिशन कहती रही बताती रही सच पूरी दुनिया को कि लॉ एंड ऑर्डर पंजाब का बिगड़ता जा रहा है, जो मैंने आपको पहले पूरिया सिटी जानिए शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है, आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।